नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस सिद्धरामैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहाँ कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस एम नागप्रसन्ना की बेंच ने गवर्नर थावरचंद गहलोत के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मैसूर अर्बन डेवलपमेंट घोटाला जो है, जिसमें जमीन का आवंटन किया गया बहुत सारे लोगों को और मुख्यमंत्री के परिवार, मुख्यमंत्री की पत्नी को भी इस घोटाले में एक बड़ा बेनिफिशियरी माना गया है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की बेंच का कहना है कि गवर्नर थावरचंद गहलोत को इस मामले में पूरी कार्रवाई करने का अधिकार है, जिस अधिकार को चुनौती दी गई थी सिद्धरामैया की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था कि 17A जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, जिसके तहत अनुमति मांगी गई थी गवर्नर साहब से मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की, जांच करने की, कार्रवाई करने की, और जिसको उन्होंने अनुमति दी थी कि जांच भी हो और मुकदमा भी चलाया जाए, तो उसी को चुनौती दी गई थी कर्नाटक हाई कोर्ट में। और ये 17 अगस्त से ये मामला लगातार जस्टिस एम नागप्रसन्ना की बेंच के सामने था। इसमें सिद्धरामैया जी की तरफ से जाने माने दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने बहुत ज़ोरदार पैरवी की थी, लगातार जो है उन्होंने बड़ी बड़ी दलीलें दी थी, ज़ोरदार दलीलें दी थी। लेकिन दूसरी तरफ तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह और काफ़ी दिग्गज वकील दूसरे पक्ष की तरफ से थे, यानी गवर्नर की तरफ से, स्टेट की तरफ से, और जो तीन पिटिशनर्स हैं जिसमें एक स्नेमयी कृष्णा है, जिसमें टी कुमार है, ये तीनों सोशल एक्टिविस्ट बताए जाते हैं, किसी का घोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी या दूसरे विपक्षी दल से घोषित रूप से संबंध नहीं है। हालांकि कांग्रेस आरोप लगाती है कि ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल एस देवगौड़ा परिवार, उनकी तरफ से खड़े किए गए लोग हैं जो सिद्धरामैया जी की सरकार को, कांग्रेस की इकलौती सबसे मजबूत सरकार को, अभी तो खैर तेलंगाना में भी है और हिमाचल में तो आपको मालूम ही है, लेकिन इस सरकार के पीछे उनका ऐसा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी दिल्ली वाले फॉर्मूले के हिसाब से। तो अब एक बड़ा जो पड़ाव था वो अभी पार हो गया। अब कानूनी लड़ाई तो ये लंबी चलेगी। आपको याद होगा जब ये सुनवाई चल रही थी, जिसका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था और जिसकी काफ़ी चर्चा हुई, क्योंकि जो ज़बरदस्त पैरवी, ज़बरदस्त बहस दोनों पक्षों के बीच में, जिसमें तुषार मेहता, जिसमें मनिंदर सिंह, उन्होंने जो तर्क सामने रखे थे, तथ्य सामने रखे थे, उसी की बिना पर हमने, अगर आपको याद हो, जो हमने ये बात कही थी कि सिद्धरामैया के लिए फिलहाल ये कानून लड़ाई इस जगह से जीतना मुश्किल होगा, मामला तो ये आगे चलेगा। अब जांच में क्या होता है, कौन सी एजेंसियां इसको करती है, ये आगे जा करके निकलेगा। एम नागप्रसन्ना जी ने अपने ऑर्डर में जो बातें लिखी हैं वो काफ़ी राजनीतिक रूप से सिद्धरामैया, कांग्रेस के लिए तकलीफ का कारण होंगी। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल है, सब उसको अच्छे से भुनाएगी, क्योंकि उनका कहना है कि बेनिफिशियरी, मतलब एम प्रसन्ना जी का अपने ऑर्डर में, कि बेनिफिशियरी सीएम का परिवार है, सिद्धरामैया की पत्नी है। अगर इसी जगह कोई आम आदमी बेनिफिशियरी होता, उसको मुआवजा मिला होता या उसको ज़मीनें मिली होती, तो जो शिकायत करता है उनकी हम याचिका है उसको हम खारिज कर देते। लेकिन यहाँ सीधे सीधे मुख्यमंत्री का परिवार बेनिफिशियरी है और बेनिफिट भी काफ़ी बड़ा है, मतलब उम्मीदों से बाहर है कि 3.5 लाख रुपए जिसकी कीमत बैठ रही हो मुआवजे की या उस लैंड की, उसकी जगह 56 करोड़ का वो मामला पहुंच गया है। तो बोले इसके बाद तो फिर अगर इस मामले की जांच नहीं होगी तो किसकी होगी। इसी, ये मामला बिल्कुल सूटेबल है जांच के लिए, जिसमें जांच के बाद ही चीज़ें निकलेंगी, तो ये उनका आकलन है। फिलहाल जस्टिस एम नागप्रसन्ना की जो टिप्पणी है, जो उन्होंने अपने ऑर्डर में कही है बात, वो कांग्रेस और सिद्धरामैया, शिवकुमार, इनके लिए काफ़ी भारी पड़ने वाली है और भारतीय जनता पार्टी को और विपक्ष को, जनता दल एस को, अच्छा खासा मसाला मिल गया है। क्योंकि प्रसन्ना साहब ने कहा है कि भाई जो 3.5 लाख 3.56 लाख के करीब का मुआवजा बन रहा था, जो रेट था वहाँ का, उससे ये 56 करोड़ के करीब की एक फिगर बन गई, जो कि सिद्धरामैया भी कह रहे हैं कि अगर आपको ज़मीन नहीं देनी है तो ठीक है, आप पैसा दे दीजिए, क्योंकि दोनों ऑप्शन थे कि आप या तो कंपनसेशन ले लीजिए या फिर आप उसके बदले में ज़मीन ले लीजिए। तो जस्टिस प्रसन्ना ने कहा है कि जो पिटीशन, ये तो बहुत साफ है कि जो बेनिफिशियरी है वो मुख्यमंत्री का इमीडिएट परिवार है, उनकी पत्नी है, और मामला
मतलब कितना बड़ा है, 3.5 लाख से 56 करोड़, तो बोले कि इसकी तो जांच बिल्कुल बनती है और इसके तो होनी ही चाहिए जांच। हाई कोर्ट का कहना है कि नियमों में जो परिवर्तन हुआ, रूल्स जो चेंज किए गए, वो क्यों किए गए, ये बिल्कुल जांच का विषय है, और अगर ये इसमें मुख्यमंत्री का परिवार शामिल नहीं होता, आम आदमी होते तब ये पिटिशनर आए होते, तब ये लोगों ने आरोप लगाया होता तो हम इस मामले को बाहर कर देते, लेकिन फिलहाल तो हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए इसकी जांच तो की जानी बनती है। फिलहाल सिद्धारमैया जी ने बोल दिया है, कांग्रेस ने बोल दिया है, सब इकट्ठे हो गए हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि 32 साल पुराना मामला है, 92 का मामला है। आप अगर पहली बार इस खबर को जान रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको बता देते हैं ताकि आपको पता रहे कॉन्टेक्स्ट क्या है। बेसिकली मैसूर शहर जो है उसके बाहरी इलाके में केसरा गाँव है, जहाँ 1992 में सिद्धारमैया जी के साले ने ज़मीन ली थी। वो भी कहा जा रहा है कि वो ज़मीन उनको अवैध रूप से मिली थी, बाद में उन्होंने वो ज़मीन अपनी बहन यानी सिद्धारमैया जी की पत्नी पार्वती उनको उन्होंने गिफ्ट कर दी। अब वो ज़मीन थी करीब 3 एकड़ 11-12 गुंठा, 3.5-3.75 एकड़ के करीब आप उसको मान सकते हैं। वो ज़मीन विपक्ष के लोगों का कहना है कि चूँकि मैसूर के बाहरी इलाके में थी तो उसकी कीमत बनिस्बत उतनी नहीं थी। बाद में जब एक स्कीम आई जिसके तहत मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुडा जिसको बोलते हैं, उसने इस ज़मीन को एक्वायर कर लिया, तो वो उस ज़मीन के बदले में इनको विजयनगर, जो कर्नाटका का, जो मैसूर का बहुत ही पॉश इलाका बताया जाता है, वहाँ पर उनके बदले में साइट्स का ऑप्शन था कि आप उसके बदले में साइट ले सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल ज़मीन जो मिली है उसके 50% आपको मिलेगी अनुपात में, तो इनको वो साइटें मिली। ये 2022 की बात है, तब बसवराज की सरकार थी, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे उनकी सरकार थी येदुरप्पा के बाद। तो अब जब ये कांग्रेस जीत कर आई अभी और सरकार बनी जिसमें सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री बने और शिवकुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद से ये मामला गर्मा रहा था, और फिर अब ये मामला गवर्नर के पास गया कि साहब इनको, इन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ये घोटाला किया है। जो भाजपा के दिग्गज प्रवक्ता हैं संबित पात्रा जी, उनके हिसाब से 3-4 हज़ार करोड़ का मामला है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं उनका कहना है कि ये केवल राजनीतिक साजिश है, गवर्नर की मिलीभगत से, गवर्नर केंद्र की कठपुतली है, और उन्होंने इस बारे में दिल्ली का हवाला दिया, दूसरे राज्यों का हवाला दिया कि जैसे दिल्ली में केजरीवाल को और दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री के खिलाफ गवर्नर लगातार जो है मोर्चा खुले हुए हैं। कुछ तो तथ्य इस बात में है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो केरल, झारखंड, चंडीगढ़, मद्रास यानी तमिलनाडु, इन तमाम ऐसे गैर भाजपा शासित राज्यों में ये बात सच है। वेस्ट बंगाल बहुत ज़बरदस्त उसका पूरा उदाहरण है, किस तरीके से वहाँ के गवर्नर सरकारों के साथ बिल्कुल लॉगर हर्ड पे हैं। दिल्ली तो आप देख ही चुके हैं कितनी बुरी हालत है। तो इन सारे राज्यों में गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर, गवर्नर वर्सेस सरकार मामले चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि गवर्नर अपनी हद से बाहर निकलकर काम कर रहे हैं, संविधान के दायरे का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो ये उनकी दलील है। अब जो कानूनी पेचीदगी है इसमें, कानूनी पेचीदगी के तहत ये दलील बिल्कुल वाजिब है, और उसका प्रावधान है कि अगर मुख्यमंत्री पर या मंत्रिमंडल पर ही करप्शन के आरोप लगे हों और उसकी शिकायत गवर्नर के पास आती है, तो गवर्नर के पास इस तरह के अधिकार हैं कि वो जांच के आदेश दे सकते हैं, वो मुकदमे के लिए अनुमति दे सकते हैं। इसी तरह से दिल्ली में भी हुआ था, जो दिल्ली में लीकर घोटाला हुआ था या तथाकथित रूप से जो घोटाला है या नहीं, वो तो अभी जांच तो भी मुकम्मल हुई नहीं, लेकिन उसका आरोप था कि लीकर घोटाला हुआ है, और उसके बाद इसी तरीके से अनुमति उसमें LG साहब ने दी थी कि मामला चलाया जाए, जाँच की जाए, जो हुआ। तो यहाँ पे भी वही मामला हुआ है, और अब पहली उसकी जो पहला पड़ाव है वो भी पार हो गया है, लेकिन अब कानूनी लड़ाई है। अब जैसा कि सिद्धारमैया और कांग्रेस कह ही रही है कि उन्हें कोई दिक्कत की बात नहीं, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इस्तीफा मांगा जा रहा है, वो उन्होंने मना कर दिया कि इस्तीफा तो हम देंगे नहीं। और वो आप जानते हैं कि केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल वाली पूरे मामले के बाद, हेमंत सोरेन वाले पूरे मामले के बाद, शायद ही अब विपक्ष का कोई व्यक्ति, विपक्ष का कोई ऑफिस बेरर, मुख्यमंत्री या दूसरा कोई, आसानी से इस मामले में, इस तरह के मामले में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देगा, जब तक कि कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता कि आप दोषी हैं या नहीं हैं। और वो लंबी लड़ाई अभी तो तय होगा, लेकिन हाँ मुकदमे तो अब शुरू हो गए। अब ये कह रहे हैं कि हम इसको डिवीजन बेंच के सामने चैलेंज करेंगे, दूसरी बड़ी बेंच के सामने चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट आएंगे, लेकिन
जो हाल के कई वर्षों का अनुभव हमें है, हम जो देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इसमें कोई राहत सिद्धरमैया जी को दे पाएगा या हाई कोर्ट के इस फैसले को पलटेगा या डिवीजन बेंच भी इससे अलावा कोई वो देगी। जांच तो अब होगी, अब उसमें इस्तीफा ये नहीं देते हैं तो आपके पास प्रेसिडेंट है अरविंद केजरीवाल का, बाकी तो अभी जांच होने दीजिए, क्या निकल के आता है, किस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। क्योंकि जो इनका कहना है, ये कहना है कि भाई केवल एक मुख्यमंत्री को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को वो ज़मीनें मिली हैं और वो एक पॉलिसी के तहत दी गई है। उस पॉलिसी के अंदर अगर मुख्यमंत्री की पत्नी ने 2022 में जगह ली है या उससे पहले 2005 में उनको जगह मिली है गिफ्ट में, और उसके बदले जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी के अंदर जो जो भी फिट था, जो जो भी एलिजिबल था उसको मिली है, तो फिर ये कहना केवल इसलिए, दोनों पहलू हैं इसमें, ये कहना कि वो मुख्यमंत्री की पत्नी थी इसलिए उनको मिली, तो क्या मुख्यमंत्री की पत्नी होने का मतलब है कि अपना जो हक है उसको छोड़ दे आदमी? ये वैसी बात है ना, ये वही दलील है जो दिल्ली में थी कि मुख्यमंत्री है तो क्या मुख्यमंत्री होने से आम आदमी के तहत जो उसका अधिकार है उससे वो वंचित हो जाएगा? या दूसरी तरफ दलील थी कि मुख्यमंत्री है तो उसको VIP ट्रीटमेंट ना मिले। अब ये बहुत आसान है कि आप राजनीति में हैं, प्रभावशाली पद पर हैं, तो स्वाभाविक रूप से माना ही जाता है आप उल्टे तवे पे खड़े हो जाइए, आप ईमानदारी के बिल्कुल वो बन जाइए, तो भी राजनीतिक व्यक्ति पर, पुलिस पर, CBI पर आरोप लगाना सबसे आसान काम है और स्वाभाविक रूप से उसको सच मान लिया जाता है। ऐसा आमतौर पर इन दिनों जो क्रेडिबिलिटी है राजनीतिक लोगों की, दुर्भाग्य की बात है, वो काफ़ी घट गई। और ये केवल राजनीतिज्ञों की नहीं है, कोर्ट की, जुडिशरी की, ब्यूरोक्रेसी की, लेजिस्लेचर की, विधायिका की, सबकी क्रेडिबिलिटी, मीडिया की, उसमें देखिए आप मोदी मोदी मीडिया, तमाम तरह के लोग हैं। तो अब ये मामला लंबा चलेगा, इसके बहुत सारे राजनीतिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो आने वाले वक्त में ये बड़ी सुर्खियाँ रहेंगी। अब राजनीतिक रूप से देखिए इसके क्या वो निकलते हैं कि क्या, अभी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे और आलाकमान भी हमारे साथ है, जैसा सिद्धरमैया कह रहे हैं। तो BJP इज ट्राइंग टू डिसलार्ज अवर गवर्नमेंट थ्रू मनी पावर एंड ऑल्सो थ्रू ऑपरेशन कमला, बट दे कुड नॉट सक्सीड। आई एम नॉट अफ्राइड ऑफ द कॉन्स्परेंसी एचड आउट बाय बोथ BJP एंड JDS, बिकॉज पीपल ऑफ कर्नाटका आर विथ अवर पार्टी, आर विथ मी एंड ऑल्सो विथ अवर गवर्नमेंट। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा डिजाइन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार है, जिसके जरिए गवर्नर के ऑफिस का इस्तेमाल करके निर्वाचित सरकारों के रास्ते में रोड़े खड़े किए जा रहे हैं, या उसी तरह का मामला आपको दिखाई देता है? अब मेरिट पे अभी तो नहीं कहा जा सकता कि घोटाला हुआ है कि नहीं, ये तो कहानी, लेकिन जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा है कि प्रथम दृष्टया जो बातें सामने आई हैं, जो शिकायतें हैं, उसमें ये कहना कि सिद्धरमैया पर्दे के पीछे नहीं थे, अभी नहीं कहा जा सकता, इसके लिए जांच की आवश्यकता है, क्योंकि आरोप है कि उनके परिवार को 56 करोड़ का फायदा हुआ, लिहाजा जांच इसकी बनती है। और राज्यपाल, जिस चीज़ की ये याचिका थी कि राज्यपाल को अधिकार नहीं है कि मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाहर जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, राज्यपाल को पूरा अधिकार है, वो अपने विवेक के हिसाब से अनुमति दे सकते हैं मुकदमा चलाने की भी और जांच की भी। और ये दलील के राज्य का जो मंत्रिमंडल है वो जो सिफारिश देगा वही गवर्नर को मानना होगा। इस मामले में जस्टिस नागप्रसन्ना का कहना है कि वो यहाँ प्रासंगिक नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, इस मामले में लागू नहीं होता, तो गवर्नर ने जो कदम उठाया है उसकी गवर्नर को पूरी पूरी पावर है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो मुहिम चल रही है उसी का एक हिस्सा है, या एक सही कदम है जो होना चाहिए? आपकी जो भी राय है हमें अपने कमेंट से अवगत कराइएगा, और हमारी वीडियो और हमारे चैनल को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए। नमस्कार।